बारिश के बाद उत्तराखंड भी बाढ़ से बेहाल। नैनीताल में पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार। फैजाबाद में पिता के अपमान पर बेटी ने दी जान। नौवीं क्लास की छात्रा ने की खुदकुशी। स्कूल फीस को लेकर प्रिंसिपल और टीचर ने लड़की के पिता से की थी बदसलूकी। मुंबई के सांता क्रूज में एक बिल्डर की साइट पर हमला। दो लोगों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के चुरू में दहेज को लेकर महिला और उसकी बेटी की हत्या। ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया गया केस। तालाब में मिली दोनों की लाश। आगरा के एक हॉस्पिटल में लापरवाही से 11 साल के बच्चे की मौत। गुस्साए परिवार ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। पुलिस ने कहा मामले की होगी जांच। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने बरामद किए एंटी टैंक हथियार। पुलिस को देखकर भागे बदमाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सांगली में चीनी की बड़ी चोरी। तीन गोदाम से 33,000 चीनी की बोरियां गायब। चोरी हुई चीनी की कीमत करीब 3,30,00,000 रुपए। यूपी के मैनपुरी में 15 रुपए के लिए दलित पति पत्नी की हत्या। पैसे के विवाद में दुकानदार ने किया कुल्हाड़ी से वार। लखनऊ में 2.5 लाख की लूट के मामले में 6 गिरफ्तार। बदमाशों से 1 लाख कैश और 3 गाड़ियां भी हुई बरामद। रांची में नाबालिग से गैंगरेप को लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया सिर्फ अपहरण का केस। 11 लड़कों ने किया था आदिवासी लड़की को अगवा। एमपी के नीमच में एक शख्स पर अपने ही छोटे भाई को मारने का आरोप। पारिवारिक रंजिश की वजह से की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस ने बरामद की गांजे की बड़ी खेप। तलाशी के दौरान कार से 189 किलो गांजा बरामद। मौके से फरार हुए आरोपी। यूपी के हमीरपुर में पति की पिटाई से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। मछुआरों ने यमुना में डूबने से बचाया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। यूपी के संभल में वन विभाग के डीएफओ की दबंगई। डीएफओ पर रेंजर से मारपीट का आरोप। 1 साल से नहीं किया था मजदूरों का भुगतान। बिहार के मधेपुरा में ट्रेन से कटकर करीब 200 भेड़ों की हुई मौत। रेलवे ट्रैक पर चल रही थी भेड़े। कटिहार जयनगर एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई मौत। मुंबई के सीएसटी में मिला 112 साल पुराना तहखाना। तहखाने में की जाती थी रेलवे के पैसों की गिनती। 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में भी किया गया था शामिल। ट्रैफिक नियमों को लेकर रांची पुलिस की अनोखी पहल। सड़क पर नारद मुनि समझा रहे हैं ट्रैफिक के नियम। लोगों को दे रहे हैं सावधानी बरतने की हिदायत। यूपी के संभल में दिखा राम राज्य। राम रायपुर गांव में आजादी से अब तक नहीं दर्ज हुआ कोई केस। गांव में ही सुलझते हैं आपसी विवाद। झारखंड में चतरा में जंगल बचाने के लिए गांव वालों की मुहिम। वन विभाग ने गांव वालों को दिया इनाम। चिली के एसिन बीच पर मरी हुई पाई गई 124 डॉल्फिन मछलियां। पुलिस और समुद्री जीव एक्सपर्ट्स मछलियों की मौत की जांच में जुटे। यूरोप में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर पोप फ्रांसिस ने तोड़ी चुप्पी। दुनिया में बताई युद्ध जैसी स्थिति, लेकिन कहा कोई भी धर्म नहीं हो सकता इन हालात के लिए जिम्मेदार। वालिस तक पहुंची सीरिया के कमिशली था। धमाकों में मरने वालों की संख्या 140। घायलों की भी हालत है नाजुक। आईएसएस आतंकियों ने किया था आत्मघाती हमला। वियतनाम में मिनी तूफान ने मचाई तबाही। आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। एक आदमी की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने के लिए हिलरी क्लिंटन की तारीफ। कहा पुरुषों और महिलाओं में कोई भी नहीं हिलरी से बेहतर उम्मीदवार। ट्रंप को बताया समस्याएं गिनवाने वाला इंसान। टर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद सरकार ने बंद किए 45 अखबार और 16 टीवी चैनल्स। करीब 1700 सैन्य अधिकारियों को भी किया गया बर्खास्त। चीन के मंकम काउंटी में तेज बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड। नदियों के साथ भाग कीचड़ का सैलाब। 16 गांवों में 50,000 नागरिकों पर मंडराया खतरा। नेपाल में भी भारी बारिश और बाढ़ बनी आम लोगों के लिए मुसीबत। बीते 2 दिनों में ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर आई। 58 की मौत, कई लापता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश करने वाला हमलावर जॉन जूनियर होगा रिहा। 35 साल से जेल में बंद है जॉन। नॉर्दर्न फ्रांस के चर्च में हुए हमले में मारे गए जैक सेविल को श्रद्धांजलि। पेरिस में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। कई राजनीतिक दलों के नेता भी हुए शामिल। 2016 की नई ऊंचाई पर बाजार। 15 महीने के टॉप पर निफ्टी। सेंसेक्स 184 और निफ्टी 50 अंक बढ़कर बंद।
सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी, MCX पर चांदी 48,000 रुपए पर, चांदी के भाव में 950 रुपए से ज्यादा का उछाल, सोने की कीमतों में भी देखी गई तेजी। दिल्ली एयरपोर्ट को जल्द मिलेगा हाईटेक कंट्रोल टावर, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मिलेगी मदद। दिल्ली अमृतसर रूट पर भी दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रूट पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर, चीनी मिलर्स पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है सरकार, बाजार में चीनी जारी करने के दे सकती है आदेश। महाराष्ट्र में बिल्डर्स पर नकेल कसने की तैयारी, जल्द बनेगी हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, केंद्र की गाइडलाइंस के अलावा और सख्त बनेगा कानून। वेस्ट इंडीज के किंगस्टन में टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, नेट्स पर जमकर बहाया पसीना, 30 जुलाई से दूसरा टेस्ट। टीम इंडिया के स्पिनर अमित मिश्रा को जमैका में हरी पिच मिलने की उम्मीद, कहा मेरा काम विरोधियों पर दबाव बनाना। नरसिंह यादव पर नाडा में सुनवाई पूरी, 30 जुलाई को आएगा फैसला, नरसिंह को रियो जाने की उम्मीद। नाडा का फैसला पक्ष में नहीं आने पर कोर्ट जा सकते हैं नरसिंह यादव, दिल्ली हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील, सूत्रों के हवाले से खबर। सोनीपत के साई सेंटर में पहुंची पुलिस, नरसिंह के डोप टेस्ट को लेकर की छानबीन, कोच और बॉर्डर के अलावा कई लोगों की पूछताछ। दिल्ली में नरसिंह यादव के समर्थन में प्रदर्शन, समर्थकों ने जंतर मंतर पर जताया विरोध, ओलंपिक में भेजने की मांग की। दूसरे डोप टेस्ट में पास हुए इंद्रजीत सिंह, 29 जून को किया गया था दूसरा टेस्ट, 10 और 11 जुलाई को किए गए डोप टेस्ट के रिजल्ट का है इंतजार। रियो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को नहीं मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री, एथलेटिक्स फेडरेशन ने किया कंफर्म, जैवलिन थ्रो के अंडर 20 में नीरज ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा ही जाएंगे रियो ओलंपिक, चोट की वजह से बना हुआ था सस्पेंस, फेडरेशन ने लगाई मुहर। रियो ओलंपिक के बाद बॉक्सिंग कोच GS सिंधु छोड़ सकते हैं कोचिंग, कहा ओलंपिक के बाद करूंगा आराम। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में नहीं होंगी कटरीना कैफ, अवार्ड्स नाइट्स पर कटरीना ने किया इनकार। लंबे समय से टल रही जग्गा जासूस की शूटिंग पटरी पर लौटी, फिल्म में रणबीर कपूर के अपोजिट रोल में नजर आएंगी कटरीना कैफ। पोकेमॉन गेम को लेकर बॉलीवुड में बढ़ा क्रेज, एक वीडियो में अनुष्का शर्मा ने पोकेमॉन के लिए दिखाई अपनी दीवानगी। आमिर खान के घर रखी गई दंगल की रैपअप पार्टी, पार्टी में शामिल हुई दंगल की स्टारकास्ट और कई बॉलीवुड हस्तियां। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म ठग से अमिताभ बच्चन ने किया वॉकआउट, फिल्म की शूटिंग में देरी होने से बिग बी ने छोड़ी फिल्म। वरुण धवन मीडिया में शेयर नहीं करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें, वरुण ने कहा मीडिया सर्कस से दूर रखेंगे अपनी निजी जिंदगी को। प्रियंका के अंग्रेजी एक्सेंट पर कॉमेडियन तन्मय भट्ट का सोशल मीडिया पर कमेंट, जवाब में प्रियंका ने भी किया तन्मय पर पलटवार।